दावा किया है। लवलेश से उनका कोई लेना देना नहीं है, जिसका जिक्र भी हमने अभी किया, और लवलेश के पिता कभी कभी घर आता था इस बात का जिक्र करते हुए भी नजर आए हैं। लवलेश को नशे की लत थी, पिता पहले भी एक मामले में उसे बोल चुके हैं और वो जेल भी जा चुका है इससे पहले, और 5-6 दिन पहले वो बांदा आया था। जब वो घर गया था उसके बाद से उसका फोन स्विच्ड ऑफ था, परिवार का उससे कोई रिश्ता नहीं था। ये लवलेश के पिता का भी कहना है, और लवलेश के भाई वेद तिवारी भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया। हमें कोई जानकारी नहीं है ना, हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या घर में नहीं रहता ना? अच्छा, कब से प्रयागराज में रह रहा है ये? हमें नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ नहीं है, घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 फुट 5-6 रोज पहले था। हमसे घर से किसी कोई चीज से मतलब गज नहीं आता था, अपना नहा धो के जब भी 4-6 रोज में आता था, नहा धो के अपना निकल जाता था। अच्छा, ना किसी चीज से मतलब था। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है, हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गज नहीं थे। सालों से बोल चाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे, एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इस चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? हाँ, उसमें जेल गया था।